दो असली कहानी जो आपका नजरिया बदल देंगी इन्वेस्टमेंट को लेके। दोस्तों, अगर आपने भी शेयर मार्केट का नाम सुना है और अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, तो इन दो स्टोरीज के सुने बिना आपकी शेयर मार्केट की जर्नी जो है वो अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दो एक ऐसी स्टोरीज में जहां पे बहुत ही कम अमाउंट से करोड़ों अरबों रुपए निकाले गए। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो हमारी स्टोरी है वो है मोहम्मद अनवर की, जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे महाराष्ट्र के अंदर। उनके पिताजी के गुजरने के बाद 80,000 रुपए की उनकी एक लैंड थी जो उनके चारों भाई ने मिलकर बेच दी। अब ये लैंड बेचने के बाद टोटल 80,000 रुपए इकट्ठा हुआ, चारों भाई ने बराबर पैसा बांट लिया, तो 20,000 रुपए 27 साल के अहमद के पास भी आ गए। अब अहमद के दो बच्चे थे और अहमद काफी परेशान थे कि मैं इतने सारी रकम का क्या करूंगा। तो उस गांव में कई दिनों बाद एक सतीश शाह नाम का ब्रोकर आया और वो ब्रोकर वहां के गांव के लोगों से विप्रो के शेयर खरीद रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि विप्रो के शेयर एक गांव में, तो दोस्तों उसका रीजन ये था कि अजीम जी प्रेम जी के पिताजी ने 1947 में विप्रो की जो डालडा वाली फैक्ट्री थी जहां पे वेजिटेबल घी बनता था, उस फैक्ट्री को वहां प्लांटेड किया था और वहां पे कुछ वर्कर को उन्होंने शेयर्स भी दिए थे एज ए रॉयल्टी। तो वो जो ब्रोकर था वो वही शेयर खरीदने आया था। मोहम्मद अनवर अहमद उसको जाके मिलता है और उससे डिस्कस करता है कि आप ये शेयर खरीदने क्यों आए हैं। तो वो उसको शेयर के बारे में समझाता है कि शेयर अगर हम किसी कंपनी के खरीद लेते हैं तो उस कंपनी में हम हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी को मुनाफा होता है तो हमारे शेयर्स भी बढ़ते हैं, और कंपनी को अगर लॉस होता है तो नुकसान हमें भी झेलना पड़ता है। हम एक तरीके से उस कंपनी के हिस्सेदार या पार्टनर बन जाते हैं। तो अहमद को ये बात पसंद आ जाती है और वो बोलता है कि आप मेरे लिए भी 10,000 रुपए के 100 रुपए के हिसाब से शेयर खरीद लीजिए। तो उस जमाने में उन्होंने 100 रुपए के हिसाब से 10,000 के जो शेयर खरीदे थे, आज दोस्तों उन शेयर की 900 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है। और अहमद शाह को डिविडेंड से इतना पैसा आ जाता है कि उन्हें और कुछ बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं। तो ये थी हमारी स्टोरी वन। इसमें हमें देखने को मिला कि अहमद शाह ने कितना सारा पेशेंस किया और कितना भरोसा दिखाया एक ऐसी कंपनी पे जिसने उसका पैसा कितने गुना बढ़ा दिया। दोस्तों, अब दूसरी स्टोरी जो है वो मिसेस डॉली खन्ना की है, और एक्चुअली ये देखा जाए कायदे से तो डॉली खन्ना के हस्बैंड की ये स्टोरी है, क्योंकि डॉली खन्ना का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो सारा का सारा उनके हस्बैंड मैनेज करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, डॉली खन्ना ने सत्यम कंप्यूटर में कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उनके पति की कंपनी थी जिसका नाम था क्वालिटी, वो आइसक्रीम बनाती थी और उस कंपनी को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने परचेज कर लिया था। जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उनकी जो कंपनी थी उसको खरीदा तो एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट उनको मिल गया। अब वो पैसा उनके हस्बैंड ने पहले तो FD में लगाया, लेकिन FD से उनको कुछ खास रिटर्न नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने वो पैसा निकाल कर सत्यम कंप्यूटर में लगा दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पड़ोसी का लड़का सत्यम कंप्यूटर के अंदर काम करता था। दोस्तों, बिना लॉजिक के उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, फिर लकीली उनका पैसा 3 गुना हो गया, और उन्होंने वो पैसा जैसे ही निकाला उसके 2-3 दिन बाद ही जो सत्यम कंप्यूटर या जो टेक शेयर्स थे वो सारे के सारे क्रैश कर गए। तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर गए कि अगर मैं पैसा नहीं निकालता तो मेरा पैसा तो खत्म हो जाता। फिर वो कुछ टाइम बाद उन्होंने वो सारा का सारा पैसा फिर से FD में डाल दिया और वो एक प्रॉपर्टी लेने दिल्ली चले गए। उस समय दोस्तों रियल एस्टेट का जो भाव था वो आसमान पे बढ़ रहा था, और रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री थी वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही थी। तो दोस्तों उधर वो एक कंपनी में जाके मिले और उस कंपनी का नाम था यूनिटेक। यूनिटेक का लग्जरियस ऑफिस और उनके जो वर्कर का काम करने का तरीका उनको इतना अट्रैक्ट किया कि उन्होंने यूनिटेक के 5 लाख रुपए के शेयर 1.25 पैसे के हिसाब से खरीद ली। दोस्तों ये शेयर कुछ टाइम बाद 550 रुपए तक पहुंच गए थे। जब ये शेयर इतने के पहुंचे तो उनको 25 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और उन्होंने सारा का सारा पैसा निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने पैसा निकाला तो 2008 का मार्केट क्रैश आ गया और उधर सारा का सारा मार्केट तबाह हो गया। दोस्तों सेंसेक्स बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो यहाँ पे जो मिसेस डॉली के हस्बैंड थे उनकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज थी। पहली एक एंट्री पॉइंट, उन्हें पता था कि हमें रिसर्च करनी है और फिर एंट्री करनी है, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी में गए और वो शेयर खरीद लिए। दूसरा एग्जिट पॉइंट, उनका एग्जिट पॉइंट हमेशा क्लियर था कि कब निकलना है। और दोस्तों आज की डेट पे जो डॉली जी का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो 200 करोड़ से ज्यादा का है। तो दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको नॉलेज है और आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आप पैसा बना सकते हैं।
अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट अभी तक आपने नहीं खोला, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री लिंक दी है एंजल ब्रोकिंग की, आप जाके वहाँ पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में और कुछ जानना है, पैसा कमाना कैसे, हम शेयर मार्केट से इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो आप बेझिझक होके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस पर आप वीडियो बनाइए, एक वीडियो बनाइए और हमें पैसा कैसे कमा सकते हैं वो बताइए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।